एक तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं कुबरा के साथ था, मैं एक बड़े ड्रामे की कास्ट में था और सबा आपा थी, तो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से थी क्योंकि मैं सबसे छोटा उनका लाडला था। yes. तो चाहे फिर वो नूरू मामा की फैमिली की जिम्मेदारियाँ हों या फिर एक्टिंग की जिम्मेदारी हो, तो वो मुझे फिर करनी थी। ट्रू ट्रू। तो बट ठीक है, मैंने की थी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है कि आपने, माशाल्लाह से, किया है कि मैं जो कर सकता था मैंने किया है। और मैं मुसद्दिक को भी क्रेडिट दूंगा इसके, इवन मैं सबा और कुबरा को भी क्रेडिट दूंगा इसके, क्योंकि देखें आप जितने मर्जी बड़े एक्टर बन जो आपके सीनियर हैं वो आपके सीनियर ही हैं। बिल्कुल ठीक है, और तो आपको उनसे सीखना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कभी आपको, मेरे ख्याल से तो मैं ऐसा नहीं करता कि नहीं मुझे सब आता, मुझे कुछ नहीं आता। मैं जिस बंदे से मिलूंगा मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखूंगा, मैं उससे चीज़ें पिक करूंगा कि हाँ मुझे क्या करनी चाहिए। जिस तरह मैंने सबा कमर से की थी, मैंने उनके साथ बैठा था, मैंने उनको पूछा था कि अच्छा ये जो इमोशन चेंज करते हैं आप, कि एक सीन में आपका मूड अच्छा है, एक सीन में आप रो रहे हो, क्योंकि ऐसे शूट होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कैसे स्विच होता है और वो रोना कैसे है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जिस तरह तुम रोते हो रोना वैसे ही है, ठीक है, और कोई म्यूज़िक सुनो उस वाइब का, और क्यूरीन या फिर विक्स ना यूज़ करो आँखों में। ओह वाओ, ओके, ट्राई करो कि तुम नेचुरल नेचुरली रहो। और फिर वो चीज़ें मैंने ऐड की थी अपने ड्रामे में, तो अच्छी लगी। लेकिन मुझे मुसद्दिक की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, क्या? मुसद्दिक ने मुझे कहा था कि जब एक लड़का या फिर कोई भी कैरेक्टर स्क्रीन पर रो पड़ता है ना, तो ऑडियंस ही रोती। अगर वो अपना इमोशन कंट्रोल करके उसको सिर्फ आंखों में और फेस पे लेके आता है ना विदाउट एनी एक्सप्रेशन कि उसने रोना रोक लिया, तो फिर आपकी जगह ऑडियंस रोती है। इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी। तो मुझे वो अच्छी लगी थी, मैंने कहा नहीं अच्छी है, इट्स अ गुड टिप। ट्रू। तो अच्छा था। आई थिंक मुराद के जो लास्ट डायलॉग्स थे ना, जब वो छत पे कहता है कि सबसे बुरा तो नुकसान तो मेरा हुआ, फिर वो तुम भी बदले की, वो कहता है कि गेस व्हाट, यहां पर सबसे बुरा तो मेरे साथ हुआ, और तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी नूरू मामा को छोड़ दिया, अपने भाइयों से झगड़ा किया, और तुमने मेरे साथ ये किया। तो उस वक्त मुझे ऐसे ना, मुझे मुराद पे थोड़ा गुस्सा है, मैंने कहा इतना वो कर रही है, तुम अभी भी वही जुमला बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए मैंने नूरू मामा को छोड़ दिया, सबक नहीं सीखा। बट देन एट द सेम टाइम, सी दिस इज व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट, हाउ कॉन्फ्लिक्टिंग योर इमोशंस वुड बी व्हाइल वॉचिंग नूरजहां और डिफरेंट कैरेक्टर्स के। एक तरफ मैं ये सोचूं, बट मैं ये भी सोचूं कि ये सही भी कह रहा है कि ये दोनों औरतें जो उसकी मोहब्बत है, उन दोनों ने उसको भूल के अपने अपने बदले का सोचा। उसने अभी तो उसको हुनैद की रियलिटी नहीं पता थी कि हुनैद के साथ उसने क्या क्या किया, बट वो कहती है कि मैंने लड़वा दिया तुम भाइयों को। तो वो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ चीजें मुसद्दिक ने, एक जो गैप होता है ना कि यार वो क्या था, वो छोड़ी है उसने, ताकि लोग ना अभी ड्रामे के बाद भी कहेंगे कि वो चीज क्लियर नहीं हुई, वो क्या था। इवन मैं सरप्राइज था लास्ट सीन देख के अपना, क्योंकि हमने फेब में ये शूट ख़त्म कर दी थी, तो बीच में और शूट शुरू हो गई थी, तो मुझे नहीं याद था कि हमने लास्ट सीन एक्चुअली किया क्या है। ओह गॉड। तो जब मैंने मुझे सेकंड लास्ट एपिसोड वाला याद था, जब मैं इधर गन रखता हूँ, तो मुझे नहीं याद था कि मैंने क्या किया। और मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी है, तो मुझे सब ने बोला कि बहुत अच्छा, लाइक हमें फील हुआ कि यू फेल्ट इट, यू फेल्ट द लाइन, यू फेल्ट द इमोशन। तो अब मैं पूछ रहा हूँ उनसे, डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ फोन करके, यार लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था मुझे बता दो, मुझे नहीं बता रहे हो। मुझे कहते तुम्हें वाकई नहीं याद, मेरी मैं भी यही कह रही हूं, आपको मेरी माँ जी मुझसे पूछ रही हैं, अम्मा पूछ रही हैं, मेरी फ्रेंड्स की अम्मा पूछ रही हैं कि क्या हुआ बेटा लास्ट में क्या होना है। उनको पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि आंटी एक दिन और है, ज़रा वेट कर लें, और दूसरी तरफ मैं उनको बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं याद, और वो मुझे कह रही हैं झूठ बोलो। मैंने कहा मुझे नहीं याद, मुझे वाकई नहीं याद था। बट और फिर वो मुझे ज़्यादा मज़ा आया सीन देखने का। और जो इन्होंने लास्ट पे एक प्लॉट छोड़ा, आपने नोटिस किया था लास्ट एपिसोड में हमारी जो मेड होती है वो आती है और वो कहती है कि सिकंदर को दूध पिला के मालिश करा के सुला दिया। यस, आई नो। हाँ, तो सिकंदर मेरा और कुबरा का बेबी था, बट उसको नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। और वो एक अच्छी चीज थी। सो नूरजहां 2 की पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ओके, मुझे अभी कुछ, क्योंकि मुझे भी ये थोड़ा वो लगा था कि नूर बानो आई लेकिन बेटे को साथ लेकर नहीं। और इवन उसने भी नहीं बोला, मुराद ने भी नहीं बोला। और जब नूरजहां भी बात कर रही होती है, तो वो इंसिया की बात करती है और इख्तियार, लेकिन वो इसका नाम नहीं, नहीं लेती।
और ये बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये पोटेंशियल तो बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है कि सिकंदर किधर है, सिकंदर किधर है, मतलब सोचिए वो छोटा सा। बहुत मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि यार क्या है और किस तरह है ये, क्या हुआ ये, कहाँ है ये, तो तुम्हारा बच्चा किधर है, तुमने नहीं दिखाया और तुमने फाइट नहीं की अपने बच्चे के लिए। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा भी बच्चा हुआ। बट हाउ डिड यू एवर थिंक कि इतना बड़ा होगा ये ड्रामा एंड फिर आपके कैरेक्टर को लोग इतना पसंद करेंगे? अच्छा मैं जब आया था इधर मुझे लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। मुझे कॉल आई मुसद्दिक की, ठीक है, इनके ऑफिस में जो भी बात चली, मुसद्दिक की मुझे कॉल आई, मुसद्दिक मुझे कहते हैं पहली दफ़ा मेरी मुसद्दिक से बात हो रही है, मैं नहीं जानता था मुसद्दिक को, तुम्हारे कॉल आई, आपको पता नहीं कौन है मुसद्दिक? हाँ मुझे नहीं पता, ठीक है। हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था शहरयार, अभी ये तमाशा में भी था शहरी, तो शहरी ने मुझे कहा कि शहरी से नंबर लिया मुसद्दिक ने, मुसद्दिक ने मुझे कॉल की, मुसद्दिक मुझे कहता है कि मैं मुसद्दिक बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ इस तरह। तो मुझे ये इनसाइट मिल गई हुई थी कि एक ड्रामा है जिसके लिए मुझे कास्टिंग के लिए बोल रहे हैं, और मुसद्दिक ने मुझे कॉल करके बताया कि यार ये कुबरा के साथ में तुम्हें डेब्यू लीड, तुम्हारा समझ लो मेन लीड दे रहा हूँ, तो तुम्हारा एक ऑडिशन चाहिए। ठीक है, ऑडिशन ठीक है ले लेते हैं। तो मुझे था कि वो लाहौर होगा बट वो लाहौर नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि वीडियो कॉल पे, तो मैंने वीडियो कॉल पे उसने मुझे बस मैंने वैसे नॉर्मल बात की, वो कहता जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ मुझसे बात करते जाओ तो मैं देख लेता हूँ, तो मैंने बात की और ठीक है उसके बाद चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई कि अच्छा ये है वो है। उन्होंने नदीम भाई की कॉल आई, नदीम भाई मुझे कहते हैं, नदीम भाई, हाँ नदीम भाई मुझे कहते हैं यार तुम किन कामों में लगे हो, तुम्हें मैं टिकट भेज रहा हूँ तुम आओ कराची, इधर आके बातें करते हैं, इधर आके बातें करते हैं, एक काम करना, एक काम करना बेटा, जिस तरह वो कहते हैं कि बेटे बेटे एक काम करो अपना सामान ले आना साथ। नदीम भाई कब? कल आ जाओ। नदीम भाई मुझे चीज़ें तो प्रिपेयर करने थे। नहीं नहीं हो जाएगा साहब आ जाओ। मैं आ गया, आया तो मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा के कहते हैं आओ ज़रा रीडिंग करके दिखाओ किस तरह होता है। मैंने रीडिंग करके दिखाई तो अच्छा, उस वक्त मेरी मोहब्बत गुमशुदा की शूट ख़त्म हुई थी तो मुझे वो लुक अच्छा लगा था क्योंकि उसमें मेरी मस्ताश थोड़ी सी थी अपनी रियल वाली, ना रियल वाली, रियल वाली वो भी एक दुखी पॉइंट है, वो भी बहुत बहुत टची पॉइंट है वो, तो मैं हर्ट हो जाता हूँ। तो वो थी, तो वहाँ पर नदीम भाई और इरफान भाई बैठे हुए थे ऑफिस में, तो सारा कुछ हो गया। तो इरफान भाई कहते हैं यार एक काम करो नदीम, इसकी ना मूछें काट दो, इसकी लिप्स से ऊपर ले जाओ, इसके दोनों लिप्स नजर आने चाहिए। नदीम भाई ने कहा बेटे जाओ मशीन करो। ओह माय गुडनेस, वो तो बहुत आपके लिए पॉइंट होगा, आपसे लाइक नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक यंग कैरेक्टर चाहिए, एक इस तरह का लड़का जो मैच्योर नहीं है, तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है कि वो मैच्योर किस तरह हुआ, तो वो तो लाडला है अपनी माँ का। तो उन्होंने जब मुझे कहा था कि कुबरा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुसद्दिक नदीम भाई और कुबरा ये तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने ड्रामा किया विदाउट इवन रीडिंग द स्क्रिप्ट। और मुझे कहना नहीं मैं चाहता लेकिन मुझे था कि क्योंकि मुसद्दिक ने और ARY ने मेरे लिए फाइट की थी उसमें चैनल पे, क्योंकि मैं नया हूँ और कुबरा के साथ आ रहा हूँ, तो मेरे लिए फ़ाइट की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट मी, नदीम भाई ने कहा था ARY कि ट्रस्ट मी मैं कर रहा हूँ। अब नदीम भाई गलत नहीं हो सकते, तो उन्होंने ट्रस्ट किया। फिर मुसद्दिक न्यू डायरेक्टर था, और लेकिन जब मैं मुसद्दिक से मिला और मुसद्दिक जिस तरह काम कर रहा था, क्योंकि जितना कुछ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये उस वक्त हमें नज़र नहीं आता था, उस वक्त मॉनिटर पर हमें नज़र नहीं आता था, हालांकि फ्रेमिंग तो वही होती थी बट हमें नज़र नहीं आता, इम्पैक्ट वो नहीं फील होता था, वो इम्पैक्ट नहीं फील होता था। लेकिन जब मुसद्दिक ने ये मास्टरपीस हमें दिया और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत अच्छा था। अभी बाहर जाते हैं क्या कहते हैं, कल ही हम लकी वन पे थे। लकी वन पे।